स्टडी आईक्यू आईएएस, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों 1956 के स्वेज क्राइसिस में 5 दिनों में स्वेज कैनाल को इजिप्ट से फ्री करवाना हो, 1967 के 6 डेज वॉर में सिर्फ 6 दिनों में ही पूरी कंबाइंड एरब फोर्स को हराना हो, योम किपुर वॉर में महज 19 दिनों में इजिप्ट और सीरिया के खिलाफ डिजायर्ड विक्ट्री हासिल करना हो, या फिर 2006 के लेबनान वॉर में सिर्फ 34 दिनों में टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हिजबुल्ला को घुटने टेकने पर मजबूर करना हो। दोस्तों इसराइल का इतिहास देखने पर ये सभी वॉर विक्ट्रीज इसराइल के इतिहास में 4 चांद लगाती हुई दिख जाएंगी। लेकिन अगर इन सब में कॉमन थ्रेड ढूंढा जाए तो ये बहुत ही क्लियरली दिख जाएगा कि हमेशा से इजराइल एक शॉर्ट टर्म वॉर में इन्वॉल्व होता आया है और उसी शॉर्ट टाइम में अपने गोल को भी अचीव कर लेता है। शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि इजराइल अगर शॉर्ट टर्म की बजाय यूक्रेन की तरह लंबे वॉर का हिस्सा बनता तो उसकी वॉर हिस्ट्री में इतनी विक्ट्रीज नहीं होती। फिर ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर इजराइल हमेशा शॉर्ट टर्म वॉर ही क्यों प्रेफर करता है और क्या हमास के खिलाफ भी वो इसी वॉरफेयर को अपनाएगा। दोस्तों आज इस सवाल के जवाब के साथ ही साथ हम ये समझेंगे कि क्यों इसराइल के लिए गाजा पर अटैक करना बहुत ही चैलेंजिंग होने वाला है। स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू, अनुराग पांडे नाम है हमारा, और ऐसे तमाम लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट के लिए आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल से जुड़ सकते हैं या वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी आप वीडियोस को एंजॉय कर सकते हैं। दोस्तों ये टॉपिक यूपीएससी मेंस जीएस पेपर 2 के इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के लिए इम्पोर्टेंट है, जिससे रिलेटेड एक मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो के एंड में शेयर करेंगे। दोस्तों इसराइल 1948 में अपने एस्टेब्लिशमेंट के साथ ही स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है, जिसने अपने पड़ोसी देशों से समय समय पे वॉर्स और सिक्योरिटी थ्रेट को फेस किया है। देखा जाए तो इसी कांस्टेंट चैलेंजेस ने इसराइल के हर डायमेंशन को शेप करने में बड़ा रोल प्ले किया है। फिर चाहे वो मिडिल ईस्ट में इसराइल का हाईटेक डेवलपमेंट हो, सबसे शातिर खुफिया एजेंसी मोसाद हो, अरब रीजन में उनकी डेमोक्रेसी हो, या फिर उनकी स्ट्रांग आर्मी हो, दोस्तों इन सब में आपको इसराइल का सिक्योरिटी कंसर्न और नेबरिंग कंट्रीज का थ्रेट साफ नजर आएगा। लेकिन अगर आज स्पेसिफिकली उनकी मिलिट्री की बात करें तो इसी कांस्टेंट चैलेंजेस ने ही उनकी मिलिट्री और अप्रोच टू वॉरफेयर को भी शेप किया है। आप अगर इसराइल के युद्ध या किसी मिलिट्री ऑपरेशन के पैटर्न को देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि शॉर्ट टर्म वॉर में इसराइल से बेहतर दुनिया में कोई और देश नहीं होगा। दोस्तों अगर इसे थोड़ा और डिटेल में समझे तो एक तो इसराइल के पड़ोस में ही हमास और हिजबुल्ला जैसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन सालों से इसराइल के खिलाफ साजिश रचते आए हैं, जिसका रिजल्ट हमास देख ही रहे हैं। इसीलिए इसराइल की मिलिट्री में विजिलेंट मिलिट्री पोस्चर्स देखने को मिल जाएंगे। साथ इसके स्क्रैच ही इजरायली पब्लिक्स ओपिनियन और पॉलिटिकल लैंडस्केप वहां की मिलिट्री स्ट्रेटजी में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, जिसमें ज्यादातर उन्हें पब्लिक का स्ट्रांग सपोर्ट मिलता है। इसलिए वहां की मिलिट्री अपने सिटीजंस के लिए भी उतनी जिम्मेदार होती है। देखा जाए तो इसी डायरेक्ट रिलेशन की वजह से इसराइल की सेना अपने देश के नागरिकों को लॉन्ग टर्म वॉर का दुख नहीं देती और उन्हें इकोनॉमिक और सोशल क्राइसिस से बचाने के लिए, साथ ही इंटरनल पीस को मेंटेन करने के लिए भी शॉर्ट टर्म वॉर में ही ऑपरेट करना बेहतर समझते हैं। दोस्तों इसका एक और कारण इसी से जुड़ा हुआ है कि इसराइल की जनसंख्या और लैंड एरिया दोनों बहुत ज्यादा नहीं है। वो सिर्फ अपने लोगों के सहयोग से ही आज दुनिया के डेवलप्ड देशों में गिने जाते हैं, यानी इसराइल के लोग ही वहाँ की इकोनॉमी और डेवलपमेंट को इंश्योर करते हैं। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसराइल मिडिल ईस्ट के उन देशों में भी नहीं आता जो पूरे तरीके से ऑयल पर डिपेंड है और अपनी पॉपुलेशन के रिस्पेक्ट नहीं करते। दोस्तों इसराइल के शॉर्ट टर्म वॉरफेयर के पीछे दूसरा कारण उसके इंटरनेशनल रिलेशंस हैं। अगर इसराइल आज इतने खतरे के बावजूद भी मिडिल ईस्ट में अपनी जगह और डेवलप्ड इमेज बना पाया है तो उसमें उसके इंटरनेशनल रिलेशन का सबसे बड़ा रोल है, जिसमें उसके सबसे क्लोज रिलेशन यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ही रहे हैं और आज भी बने हुए हैं। साथ ही ब्रिटेन, फ्रांस और इंडिया से भी उसकी क्लोज रिलेशंस हैं। इन्हीं देशों से उसे हर संभव मदद मिलती आई है। इसराइल की आर्मी और उसके हाईटेक एमुनेशंस में अमेरिका का सपोर्ट तो जग जाहिर है, जिस वजह से अगर इसराइल प्रोलॉन्ग्ड कॉन्फ्लिक्ट का हिस्सा बनता है तो उसके दूसरे देशों के साथ रिलेशन खराब हो सकते हैं, और अगर ऐसा होता है तो ये इसराइल के एग्जिस्टेंस पर ही खतरा पैदा कर देगा। दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करें उससे पहले आप सभी के लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट है। आपकी तैयारी को और भी अफोर्डेबल एंड कॉम्प्रिहेंसिव बनाने के लिए स्टडी आईक्यू लाया है आपके लिए P2I का एक न्यू फाउंडेशन बैच, जहां सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम जैसे 3 अलग अलग पैकेजेस हर उस एस्पिरेंट की तैयारी के लिए डिजाइन किए गए हैं जो UPSC एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं। जैसे भी आप 12th में हैं या आपके घर में कोई एस्पिरेंट है जो UPSC की तैयारी को स्टार्ट करना चाहता है, तो उसके लिए 42 मंथ्स का प्लैटिनम पैकेज,
आप ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में हैं और प्रिपरेशन स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए 30 मंथ्स का गोल्ड पैकेज, या फिर आप लगातार एग्जाम्स में अपीयर हो रहे हैं लेकिन प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम के चैलेंज को टैकल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप 18 मंथ्स के सिल्वर पैक को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ आपको तीनों ही पैकेजेस में प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू यानी यूपीएससी एग्जाम के तीनों स्टेज की तैयारी बेसिक से एडवांस तक कराई जाएगी। साथ ही मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज, वीकली रिवीजन टेस्ट, क्रैश कोर्स और नोट्स एंड बुक, ये सब कुछ भी आपको इस बैच में मिल रहा है। दोस्तों, अगर आप इनमें से किसी भी पैकेज को परचेज करते वक्त ANLIVE कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, तो आप इन तीनों पैकेजेस के साथ ही साथ स्टडी IQ के बाकी के कोर्सेज पे भी 60% तक का भारी डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कोर्स रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए वीडियो के कॉमेंट बॉक्स में पिन किए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं या स्टडी IQ की वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। देखा जाए तो जियोपॉलिटिकल फैक्टर भी इसी शॉर्ट टर्म वॉरफेयर का एक कारण है। दरअसल इसराइल भी सालों से अरब रीजन में एक बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करता है। जैसे करंट एग्जांपल को ले तो आज UAE इसराइल के साथ खड़ा हुआ है, जो कि कभी उसके खिलाफ था। ऐसे में अगर इसराइल लंबे समय तक युद्ध का हिस्सा बनता है तो जाहिर है कि उस रीजन में एक डिसबैलेंस क्रिएट होगा, जिसका असर इसराइल की सालों की मेहनत पर पड़ेगा। दोस्तों, यहाँ पर इसराइल की चालाकी को देखें तो आज भले इसराइल में 1000 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन इसराइल भी सालों से ऐसे पैलेस्टीनियंस या गाजा में लोगों को अप्रेस्ट करता आया है, पर उसके बावजूद भी दुनिया में उसके अनएथिकल हरकतों पर कोई खास क्रिटिसिज्म देखने को नहीं मिलता। इंटरनेशनली आज भी इसराइल को एक ब्रेव कंट्री के तौर पर कंसीडर किया जाता है और उसी का ग्लोरिफिकेशन होता है। देखा जाए तो ये भी इसलिए है क्योंकि इसराइल शॉर्ट टर्म वॉर की मदद से अपने डिजायर्ड ऑपरेशन को पूरा कर लेता है, जिससे दुनिया भर में उसकी इमेज बहुत ही अच्छी बनी हुई है। लेकिन अगर इसराइल लंबे वॉर का हिस्सा बनता है तो उसके प्रति दुनिया की सहानुभूति कब क्रिटिसिज्म में बदल जाएगी ये किसी को भी पता नहीं चलेगा, जिससे इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग के FDI पर बुरा असर पड़ेगा और इसराइल की इकोनॉमी बुरे तरीके से प्रभावित होगी। दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि इसराइल अपनी सिक्योरिटी के साथ ही साथ अपनी इकोनॉमी को भी नहीं छोड़ सकता है, इसलिए अपनी इमेज को साफ रखने के लिए भी शॉर्ट टर्म वॉर्स का सहारा लेता है। इन सभी फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए इसराइल की मिलिट्री अपनी तैयारियां करती है, जिस वजह से वो हाईली कैपेबल और एफिशिएंट मिलिट्री बन जाती है। आपने देखा होगा कि इसराइल की आर्म्ड फोर्सेस वेल इक्विप्ड एंड वेल ट्रेंड होती हैं। उनकी कैपेबिलिटीज उन्हें प्रिसाइज टारगेटेड ऑपरेशंस कंडक्ट करने के साथ ही साथ डैमेज और कैजुअलिटीज को मिनिमाइज करते हुए गोल को अचीव करने का मोटिवेशन देती हैं। यहाँ पे यह भी ध्यान रखना होगा कि इसराइल की सेना भले ही टेक्नोलॉजी, प्रिसिसनेस और मोटिवेशन में अच्छी हो, लेकिन यह सेना बहुत बड़ी नहीं है, इसलिए इसराइल अगर किसी लंबी लड़ाई में फंसता है तो उसके पास मिलिट्री पर्सनल की कमी उसे भारी नुकसान पहुंचा सकती है, जिससे इसराइली आर्मी लॉन्ग टर्म पीरियड में बिखर जाएगी। दोस्तों, इसलिए आज भी हमास से निपटने के लिए इसराइल को एक बार फिर से शॉर्ट टर्म वॉर की नीड है, लेकिन इतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि इसराइल हमास को पूरे तरीके से खत्म करने का इरादा बना चुका है। ऐसे में ये भी समझते हैं कि आखिर इस बार की गाजा की लड़ाई में इसराइल को क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं। दोस्तों, इसराइली ट्रूप्स के एक मेंबर आयल, जो अपने बाकी साथियों के साथ गाजा में एंटर करके हमास को खत्म करने का ये काम करेंगे, उन्होंने मीडिया से गाजा की कंडीशनिंग को बताया है, क्योंकि वो साल 2007 में भी एक बार गाजा में ऑपरेशन के लिए जा चुके हैं। आयल कहते हैं कि हमास कंट्रोल रीजन में आप कुछ भी टच करते हैं तो वो बॉम्ब हो सकता है, जिसे भी आप देख रहे हैं वो एक पॉसिबल टेररिस्ट हो सकता है, इसलिए हमें बहुत ही धीरे और ध्यान से मूव करना होता है। आयल बताते हैं कि कभी कभी तो इतनी तेजी से मूव करते हैं कि आप रिस्पांस भी नहीं कर पाते हैं, इसलिए गाजा में हमास को खत्म करना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, आयल का ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी आज से 9 साल पुराना है, क्योंकि इसराइल का इंटेलिजेंस फेल हो चुका है और उन्हें अभी इस बात का अंदाजा नहीं कि गाजा की सिचुएशन कैसी है। ऐसे में आगे भी बिना सॉलिड इंटेल के इसराइल में एंटर करना है तो हमास 9 साल के टाइम में कितना स्ट्रांग हो चुका होगा, उसका सैंपल उसने आयरन डोम को फेल करके दिखाया है। इसराइली सेना को ये भी डर है कि वहां पर नए शूटर्स, नए किस्म के रॉकेट जो ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा बड़े एंटी टैंक और रॉकेट जैसा कुछ भी हो सकता है, जिससे शायद इसराइल की सेना फैमिलियर भी ना हो। अगर एक्सपर्ट्स की माने तो इसराइल जितने बड़े स्केल पर अटैक प्लान कर रहा है उसमें एक्सटेंसिव ग्राउंड ऑपरेशन देखने को मिलेंगे, जो शायद आखिरी बार साल 2006 में इसराइल हिजबुल्ला वॉर में हुआ था। पहला चैलेंज तो यही आने वाला है कि इसराइली ट्रूप्स उस टेरेन को हमास से बेहतर नहीं जानते होंगे। हमास का सिविलियंस के बीच छुपने का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जिस वजह से गाजा के डेंस पॉपुलेशन के बीच एंटी हमास मिलिट्री ऑपरेशन में बहुत सी दिक्कतें आएंगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और इसराइली इंटेल का दावा है कि गाजा में हमास ने टनल का मकरजाल बनाकर रखा है, जिससे इसराइली आर्मी का निपटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि टनल वॉरफेयर हमेशा होस्ट को मैच जिताने में मदद करता है। आप इसके एग्जांपल के लिए वियतनाम वॉर की हिस्ट्री को देख सकते हो, या और बेहतर समझ के लिए आप हमारी टनल वॉरफेयर की इस डिटेल्ड वीडियो को देख सकते हैं। अगले चैलेंज में सबसे बड़ा रोल होगा इसराइली हॉस्टेजेस और लोकल पॉपुलेशन का, जिनका सहारा लेकर हमास इसराइली आर्मी को रोक सकता है। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू ने देश को प्रॉमिस किया कि हर वो जगह जहां से हमास ऑपरेट करता है उसे बर्बाद कर दिया जाएगा, आप देखेंगे तो इस वादे से ये भी साफ होता है कि इस बार इसराइल हॉस्टेजेस को प्रायोरिटीज करने के बजाय अपने प्रॉमिस को पूरा करेगा।
लेकिन ऐसा होता भी हो तो हमास उन हॉस्टेजेस को ह्यूमन शील्ड की तरह इस्तेमाल करके इस लड़ाई को इसराइल के डिजायरेबल रिजल्ट्स और टाइम से दूर ले जा सकेगा। फिर जैसे ही लड़ाई लंबी होगी ज्यादा से ज्यादा पैलेस्टीनियन लोगों की जाने जाएंगी, इसलिए अभी जो मिलिटेंट ग्रुप हिजबुल्ला इसराइल पर डायरेक्ट अटैक से दूर होकर सिर्फ हमास की सोलिडारिटी में खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इसराइल के खिलाफ वॉर में पार्टिसिपेट कर सकता है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिजबुल्ला लेबनीज मिलिटेंट ग्रुप है जो हमास का अलाई होने के साथ ही साथ इसराइल से साल 2006 में जंग भी लड़ चुका है। हिजबुल्ला चूंकि लेबनान का मिलिटेंट ग्रुप है और लेबनान गोलन हाइट्स पर इसराइल के नॉर्दर्न बॉर्डर के पास है, ऐसे में अगर गोलन हाइट्स से भी फ्रंट ओपन हो जाता है तो इसराइल के लिए टू फ्रंट वॉर की सिचुएशन हो जाएगी। गाजा में हमास और गोलन हाइट्स में हिजबुल्ला से लड़ने से इसराइल की आर्मी डिवाइड हो जाएगी। एक तो इसराइल के पास पहले से आर्म्ड फोर्सेज और एमुनेशन की कमी है, ऊपर से उसका आयरन डोम भी फेल हो चुका है, इंटेलिजेंस के पास कोई खास इंटेल नहीं है। ऐसी कंडीशन में इसराइल लॉन्ग पीरियड वॉर में कभी भी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाएगा। इसलिए इसराइल को अगर डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए तो उसके पास सिर्फ शॉर्ट टर्म वॉर का ही ऑप्शन है, जिसमें वो अपने देश के लोगों, देश की इकोनॉमी और देश की इमेज को बचाते हुए हमास की समस्या से निपट सकेंगे। दूसरा, ऐसा होता है तो पॉसिबल है कि इसराइल हमास के पॉलिटिकल और मिलिट्री विंग्स को डिस्ट्रॉय कर देगा, लेकिन इस डिस्ट्रक्शन के साथ एक सवाल ये भी उठता है कि फिर गाजा को कंट्रोल कौन करेगा। देखिए, हमास गाजा पर साल 2007 से ही पॉलिटिकली रूल कर रहा था, ऐसे में इसराइल के जीत के बावजूद भी बहुत से एक्सपर्ट इस बात से कंसर्न है कि ये डिस्ट्रक्शन भी इसराइल को हमेशा के लिए शांति नहीं दे सकता। इतने बड़े मिलिट्री ऑपरेशन के बाद गाजा की नई जनरेशन का रेडिकलाइज होना तय है, यानी कि युद्ध कभी भी किसी समस्या का अंत नहीं हो सकता। दोस्तों आप किस मुद्दे पर राय क्या है हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।